नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारे लाइव क्लासेस की वीडियो है। हमारे साथ रमेश जी और तजेंद्र जी ज्वाइन है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। तजेंद्र जी आपका मलेशिया से, रमेश जी मुंबई से। और हम जूम ऐप के थ्रू, ये जो जूम ऐप है इसके थ्रू हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। इनको लाइव मेरी स्क्रीन दिख रही है और मुझे सुन भी पा रहे हैं। तो रमेश जी एंड तजेंद्र जी, आज हम आपके साथ एक प्रॉब्लम का सलूशन करने जा रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया, आप लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। तो एक प्रॉब्लम का जी सलूशन हम लोग आपके साथ करने जा रहे हैं। एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने मुझसे एक छोटा सा सवाल पूछा था। बेसिकली उनके पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें इस तरह के नेम्स है और इस तरह के सिटी है। तो उनको एक रिपोर्ट या कुछ ऐसा डेटा बनाना है जिनमें क्या करना है उनको, कि जैसे उन्होंने एक नेम पूजा को यहाँ पर रखा, पूजा को लिया और यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद वो पूरे एक सिटी को, इस पूरे सिटी को लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर इस पूजा को ड्रैग कर देंगे। फिर वापस सेम नीरज को लेंगे और लास्ट में वो पेस्ट करेंगे। अब और यहां पे इसको लेके पेस्ट कर, ठीक है सर। जी सर। इसी प्रोसीजर को उनको दोबारा दोहराना है। अब मैनुअल करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा ना सर, तो ये फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हैं। जी सर। तो कैसे करेंगे, चलिए। इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, मतलब फॉर्मूले के थ्रू नहीं होगा, वीवी के थ्रू करना चाहते हैं। तो चलिए हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग इसके लिए ट्राई करते हैं। तो सब्जेक्ट कॉपी पी के नाम से मैंने बनाया, लाइक ओपन क्लोज। अब यहां पे लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू, चले 1 2, कितना है यहाँ पे 14, या फिर इसको आप अपने हिसाब से डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है सर। नहीं सर, 2 से स्टार्ट होगा ना सर। नहीं, इसमें हेडिंग नहीं है इसलिए 2 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं, रेंज जी 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स, सेल्स या फिर रेंज दे दीजिए। हाँ, रेंज कॉलम हमारा ए फिक्स है, ए उसके साथ हमने कंबाइन किया आई डॉट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रेंज, ये आपका D1 से लेके 19 तक, इसको भी आप अपने हिसाब से डायनेमिक कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही सर। क्या रमेश जी, जी सर। डॉट हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर हम आते हैं रेंज ए, ऊपर जो हमारा ए हमने ए लाइन ले रखी है, इसी लाइन को हम दोहराते हैं। इसमें हम जीरो के, यहाँ जीरो करते हैं, यहाँ पे वन करते हैं, अगले सेल में जाके पेस्ट करना है ना हमें, और यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं। पेस्ट हो गया, मतलब कि ये सबसे पहला लाइन में क्या किया कि इस पूजा को उठा के यहाँ रखा, फिर इस पूरे एरिया को कॉपी किया और नीचे से मतलब कि नीचे से ऊपर गया और ऑफसेट ने इसको एक से आगे किया और इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं एच कॉलम में नीचे से ऊपर आऊंगा, इस साइड में आऊंगा और इस पूरे को सेलेक्ट करके फिल डाउन कर दूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज एच
65,000 डायोड एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट रो जीरो रहेगा और कॉलन माइनस वन हो जाएगा डॉट सेलेक्ट और फिर हम बोलेंगे कि रेंज स्टार्ट करो एक्टिव सेल से और एक्टिव सेल डॉट एंड इसने मैंने बोल दिया एक्सेलस आप डॉट फिल डाउन कंट्रोल डी जो होता है फिल डाउन कर दिया ठीक है सर इस तरह से कंट्रोल डी कर देगा और इसी प्रोसीजर को और बार बार दोहराएगा अब चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है एकदम परफेक्ट हेलो क्लियर ठीक है तो एक कोड भी आप लोगों को मैं मेल कर देता हूं ये फाइल भी भेज देता हूं ठीक है फाइल भेज दीजिए आप लोग इस पे प्रैक्टिस हेलो हाँ जाहिर जी गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग सर मैंने आपको एक फाइल मेल की है देख लीजिएगा